हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे नई नई वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनाने जा रहे हैं, जिसका नाम है चिकन पकौड़ा, जो बहुत ही यूनिक है और आपने कभी पहले भी खाया होगा। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम चिकन से भी कितना टेस्टी एंड क्रिस्पी पकौड़ा बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें पाव भर चिकन लिया है, जिसे हमने पतला पतला छोटे छोटे भागों में इस टाइप से काटा हुआ है, लंबे लंबे करके। ये देखिए, अब इसे हम मैरिनेट करेंगे। इसके लिए हम लेंगे लहसुन और लाल मिर्च की चटनी। करीबन मैंने लहसुन और लाल मिर्च की चटनी 2 चम्मच लिया है, इसे हमें इसमें मिक्स करना है। इसके साथ ही इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच अदरक बारीक कटी हुई, 1/2 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच नमक हम डालेंगे इसमें। अब इन सबको मिला के हमें अच्छे से इस टाइप से मिला के हमें अपने चिकन को कम से कम 10 मिनट के लिए रख देना है मिला के इस टाइप से। ये देखिए, हमारा चिकन अच्छी तरह से अब मिल चुका है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स, हमें चिकन पकौड़ा बनाने के लिए जो सामान चाहिए वो इस प्रकार है। हमने यहाँ पास क्रश्ड कॉर्न चिप्स लिया है, एक अंडा जिसे हमने एक चुटकी नमक डालकर मिक्स किया हुआ है, 1 कप मैदा और हमारा मैरिनेटेड चिकन। तो चलिए फ्रेंड, हम अपने चिकन पकौड़ा को बनाते हैं। फ्रेंड्स देखिए, हमें इस टाइप से अपने चिकन को लेना है और इस टाइप से इसमें मैदा लगा देना है। मैदा इस टाइप से लगा के हमें इसे अंडे में ऐसे डीप कर देना है। अंडे में ऐसे डुबाने के बाद हमें इसमें कॉर्नफ्लेक्स लगा देना है। ये देखिए, इस टाइप से हमें अपने सारे पीसेस करने हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने अपने सारे चिकन को इस तरह से तैयार कर लिया है। अब इसे हमें डीप फ्राई करना है। जब हम फ्राई करेंगे अपने चिकन पकौड़ा को, तो अपने गैस को मीडियम टू लो फ्लेम पर ही रखेंगे, फुल फ्लेम पर नहीं रखेंगे, नहीं तो हमारा चिकन क्या है, बाहर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप चिकन पकौड़ा तलिएगा तो मीडियम टू लो फ्लेम पर ही तलिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, हमें इस टाइप से चिकन को तल लेना, एकदम लो फ्लेम पर ही अपने चिकन को हमें तल लेना, फुल फ्लेम पर कभी भी चिकन को मत तलिएगा। इस टाइप से हमारा चिकन पकौड़ा बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी रहता है। इस टाइप से हमें चिकन को तलना है। जब इस कंडीशन में आपका भी चिकन पकौड़ा आ जाए तो इसे इस टाइप से पलट दीजिएगा। इस टाइप से तलिएगा। फ्रेंड्स देखिए, अब हमारा जो चिकन पकौड़ा है वो बन के रेडी हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेते हैं टिश्यू पेपर पे, ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। ये देखिए फ्रेंड, इस टाइप से हमें टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमारा चिकन पकौड़ा बन के रेडी हो चुका है सर्व करने के लिए, जो खाने में बहुत ही टेस्टी एवं हेल्दी होता है। तो फ्रेंड्स, इस टाइप से चिकन पकौड़ा आप भी बना के एक बार घर पे ट्राई जरूर करिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ये रेसिपी। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।